रतनगढ़ में विशाल सभा को संबोधित करने आए सीएम चौहान की सभा में सकलेचा पूरे वक्त छाए रहे। सकलेचा ने इस दौरान सीटीवी एडिटर राकेश सोन से चर्चा की, जावद विधानसभा की उपलब्धियों के साथ विकास कार्यों और चुनावी मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। जावद विधानसभा क्षेत्र के रतनगढ़ में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। संबोधन अवसर पर हजारों की तादाद में भीड़ जावद से विधानसभा प्रत्याशी ओम प्रकाश सकलेचा के नेतृत्व में जुड़ी। इस दौरान सीटीवी एडिटर राकेश सोन से खास चर्चा करते हुए जावद से उम्मीदवार श्री सकलेचा ने विकास के मुद्दों पर अपनी बात रखी। सकलेचा ने कहा कि जावद क्षेत्र में विकास के अनेकों काम किए हैं, साथ ही कई काम पूरे होना बाकी है। शिक्षा को बेहतर बनाना है, रोजगार को इस क्षेत्र में लाना है। जावद में हो रहे त्रिकोणीय संघर्ष पर सकलेचा ने कहा कि संघर्ष जैसी कोई स्थिति नहीं है, निसंदेह भाजपा की ही एक तरफा जीत है। भाजपा ने विकास कार्यों की श्रृंखला बनाई है। भाजपा में वाणदा बांध को सौगार क्षेत्रवासियों को दी है। डेनिम और जूट के उद्योग जावद में आ रहे हैं। जावद बिजली उत्पादन में सक्षम बना है। दुनिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा प्लांट जावद में है और हम देश भर में बिजली का निर्यात कर रहे हैं। सीटीवी के खास कार्यक्रम कौन बनेगा एमएलए के लिए हम पहुंचे हैं रतनगढ़। जावद विधानसभा क्षेत्र का प्रमुख सेंटर है रतनगढ़, ढाकड़ बाहुली क्षेत्र है। यहाँ पर चौथी बार मैदान में है भाजपा के विधायक और भाजपा प्रत्याशी ओम प्रकाश सकलेचा। वे अपने विकास को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। कुछ ही समय पहले यहाँ पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सभा हुई और बड़ी संख्या में नागरिकों को सीएम ने संबोधित किया। आइए जानते सकलेचा जी से कि इस बार सर आप चौथी बार मैदान में, आपके लिए इलेक्शन नया नहीं है, कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं? तीन बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं। पहला, युवाओं के तरक्की के लिए नए आयाम का खोलना। दूसरा, नई कुछ सिंचाई की योजना जो चिन्हित हो चुकी है उन्हें टेक्निकल अप्रूवल हो गई, उसकी फाइनेंशियल अप्रूवल के लिए पेंडिंग है, और जो पाइपलाइन में काम चल रहे हैं उन्हें कंप्लीट करना। ये बड़ा महत्वपूर्ण काम है। पूरे भारत में सबसे पहले हमने स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया है, जिसमें हम हमारे यहाँ के नौजवानों को उस क्षेत्र की, दुनिया की सबसे एडवांस जो देश है वहाँ कुछ दिन ट्रेनिंग के लिए भेजते हैं। और ये पूरा प्रोजेक्ट CSR फंड से चलता है, इसमें कोई भी गवर्नमेंट का अभी हमें सहयोग नहीं मिलता। ऐसे कुछ योजनाएं हैं और कुल मिलाकर विकास, सज्जनता, पुलिस की बेरोक रोकटेक, चौथ वसूली, तोड़ बट्टे, इनसे मुक्ति के साथ स्वच्छ प्रशासन के लिए हम सब काम कर रहे हैं। इस बार भी त्रिकोणीय संघर्ष है, ढाकड़ बाहुल्य क्षेत्र है और यहाँ पर कहा जाता है कि ढाकड़ वोट निर्णायक भूमिका निभाते हैं, क्या लगता है आपको? माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं बोल दिया, वो स्वयं भी ढाकड़ है और उनने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा, निर्दलीय को वोट देना वोट बर्बाद करना है। अब इससे ज़्यादा स्पष्ट भूमिका क्या होगी, कौन बड़ा ढाकड़, जनता खुद निर्णय करना जानती है। कांग्रेस के उम्मीदवार और कांग्रेस के नेता इस चीज़ को बुना रहे हैं कि जावद क्षेत्र में रोजगार की बड़ी समस्या है, वेलिस्पन में जिस तरह से लोगों को रोजगार मिलना था वो नहीं मिल पाया और बेरोजगारी बड़ी है। कांग्रेस को ये अधिकार किसने दिया बात करने का? उनने 50 साल राज किया, एक भी उनने छोटा सा भी उद्योग लगाया हो तो बताओ, या तो स्वर्गीय सकलेचा जी ने विक्रम सीमेंट या CCI सीमेंट की फैक्ट्री लगाई, या मेरे कार्यकाल में अभी टेक्सटाइल की ये डेनिम जीन की फैक्ट्री लग रही है, धागा बनाने की फैक्ट्री लग रही है, तीन नए बड़े बड़े यूनिट जिसमें तकरीबन 3,000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, उनका सिविल वर्क चालू हो चुका है। हाथ कंगन को RC क्या, जमीन पे प्रूफ है।
अब वो कुछ भी झूठे सच्ची बातें करते रहते हैं। चुनाव है जब आप त्रिकोणीय स्थिति से निपट रहे हैं, पहले चुनाव में भी त्रिकोणीय स्थिति बनी थी, इस बार भी त्रिकोणीय स्थिति बनी है, क्या लगता है जीत का अंतर कहां तक रहेगा? जिस तरह से कहा जा रहा है जीत का अंतर और बढ़ेगा, कम से कम 25,000 वोटों से ज्यादा की हमारी जीत सुनिश्चित है। दोनों उम्मीदवारों में से आप किसको सेकंड मानते हैं? मेरे लिए दोनों